हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ वो रिलेटेड है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी SSC में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, अपनी सामान्य गति की 5/7 गुना गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट की देरी से पहुँचता है, उसका सामान्य समय मिनटों में कितना है। तो आप लोगों ने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मान लीजिए सामान्य गति जो है 7x है, और गति कम होने के बाद गति कितनी हो जाएगी, 7x का 5/7 गुना, यही है, तो कट जाएगा यहाँ से, यानी 5x। ठीक है, सामान्य गति मान लीजिए 7x, तो गति कम होने के बाद की गति 5x। यानी ये कह सकते हैं कि सामान्य गति और गति में बदलाव जो हो रहा है उनमें जो रेशियो है 7:5 का है। ठीक है, अब जब आपका स्पीड जो है 7/5 है तो आप लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा, 5/7, यानी टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:7। अभी मैंने बताया था स्पीड जो होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्पीड रेशियो 1/T, इसलिए टी भी निकाल सकते हैं। टी क्या होगा, स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो जब स्पीड जो है 7/5 है तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, 5/7। ठीक है, स्पीड 7 से 5 और टाइम क्या हो गया, 5 से 7। तो आप लोगों को पूछा क्या गया है, सामान्य समय, सामान्य समय मिनटों में क्या है। तो ये जो 7 है ये सामान्य गति है, और यहाँ पे 5 जो है ये सामान्य समय है, यानी 5 का मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही कहा गया है सामान्य गति का 5/7 गुना से अगर चलता है तो उसे 10 मिनट की देरी होती है। यानी अगर 7 से 5 पे चलता है तो उसे 10 मिनट की देरी होती है। 7 से 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी 2 का अंतर 10 मिनट के बराबर है, तो 1 का अंतर 5 मिनट के बराबर। तो यहाँ पे निकालना कितना है, 5 का मान। ठीक है, तो 5 × 5 25 मिनट, सामान्य समय क्या आ जाएगा, 25 मिनट। दूसरा वाला आंसर जो है आपका सही है। आप लोग शॉर्टकट में समझ लीजिएगा, यहाँ पे इस सबसे पहले आप लोगों को सामान्य गति जो है मान लेना है वो 7x। ठीक है, तो 7x का 5/7 गुना, ये आ जाएगा 5x। ठीक है, तो सामान्य गति और गति में बदलाव इनका रेशियो कितना है, 7:5। इस हिसाब से टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 5:7। ठीक है, तो सामान्य समय यानी 5 का मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो जब 5/7 यानी 7 से 5 पे चलता है तो 10 मिनट की देरी होती है, यानी 2 का अंतर 10 के बराबर, 1 का अंतर 5 के बराबर, तो यहाँ से 5 का मान क्या हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए विश्राम करता है, 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, दिया गया है आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं 12 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं 1 किलोमीटर जो है कितने समय में चलेगा, 1 घंटा यानी 60 मिनट 12, तो 1 किलोमीटर वो चलेगा 5 मिनट में। ठीक है, 1 किलोमीटर 5 मिनट में वो तय करता है, यानी यहाँ पे आ गया 1 किलोमीटर 5 मिनट में जो है तय कर सकता है। और यहाँ पे दिया गया है 4 मिनट विश्राम भी करता है, 1 किलोमीटर के बाद 4 मिनट जो है विश्राम करता है, यानी कह सकते हैं 5 + 4 9 मिनट जो है उसको 1 किलोमीटर तय करने में लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने निकाल लिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर जो है 5 मिनट में तय करता है, और 4 मिनट का विश्राम, यानी कुल मिलाकर 1 किलोमीटर जो है 9 मिनट में तय करता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी, तो 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 8 × 9 72। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर आ गया 72 मिनट, तो आपका 72 मिनट जो है आपका सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने निकाला 1 किलोमीटर जो है उसे 5 मिनट लगता है, और 5 मिनट के बाद 4 मिनट विश्राम करता है। ठीक है, तो सभी में जो है 4-4 मिनट का विश्राम भी ऐड करेंगे, लेकिन 8 किलोमीटर के बाद जब 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है तो अब यहाँ पर जो विश्राम करे या चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर जो है विश्राम जो करता है उसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 8वें किलोमीटर के बाद जो विश्राम करने का टाइम है उसे ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो है 72 - 4 कर देंगे, 68 मिनट जो है आपका आंसर आएगा।
ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है आपका 68 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 5:7 है। यदि पहली ट्रेन 3 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। दो ट्रेनें हैं, गति का अनुपात कितना है 5:7। अब यहाँ पे जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड दे दी गई, कैसे निकालेंगे स्पीड, 3 घंटे में 300 किलोमीटर, जो पहली वाली ट्रेन है वो 3 घंटे में 300 किलोमीटर, यानी स्पीड कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। स्पीड आपकी आ गई पहली ट्रेन की 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली ट्रेन की गति, यहाँ पे दो ट्रेनें हैं, दोनों की स्पीड का रेशियो दिया गया है 5:7, लेकिन पहली ट्रेन की गति जो निकल गई है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कह सकते हैं रेशियो में 5 का मान 100 है, तो अगर इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो इधर भी आप लोग 20 का गुणा कर देंगे 140, तो दूसरी ट्रेन की गति जो निकल जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। अब यहाँ पे पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर, तो पहली ट्रेन की गति निकाल सकते हैं, कितना आएगा आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 35 का गुणा करेंगे तो 70 आएगा, तो इधर भी आप लोग 35 का गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा 175 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की गति जो है 175 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है, दोनों ट्रेनों की गति के बीच अंतर, यानी 175 माइनस 70, ठीक है, ये आ जाएगा 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था दोनों ट्रेनों की गति में अंतर कितना है, 105 किलोमीटर प्रति घंटा। पांचवा प्रश्न है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से तय करती है, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसे यात्रा में 3 घंटे कम समय लगता है, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। मान लीजिए ट्रेन की गति जो है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग एक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, वो फार्मूला क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टी बराबर S1 × S2, नीचे आपको स्पीड का अंतर निकालना है और गुणे टाइम का डिफरेंस T1 − T2। S1 यानी आपने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, S2 क्या है, यहाँ पे देखिए यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो x+10, ठीक है, टाइम का डिफरेंस यहाँ पे देखिए यदि उसे यात्रा में 3 घंटे कम समय लगता है तो टाइम का डिफरेंस क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा x x+10, नीचे S1 − S2 करेंगे 10 आएगा और यहाँ पे आपका 3, समय का डिफरेंस 3 है, डिस्टेंस आपका दिया गया है 360, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से x का मान जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहले 3 से काट देंगे, 120 हो जाएगा यहाँ पे, 120 × 10 बराबर यहाँ पे आ जाएगा x² + 10x, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, x = 30, ठीक है, ट्रेन की गति क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये थे 5 प्रश्न जो कि आपके SSC एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।